आजकल जो कमर दर्द की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कई डॉक्टरों ने भी अनुभव किया कि इसमें योगासन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल अदा करते हैं, तो ऐसा देखने में आया है कि कई डॉक्टर्स इस आसन को या ऐसे कई आसन हैं जिनको कि कमर दर्द को दूर करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमारा एक और आसन हम करेंगे जिसका नाम है विपरीत नौकासन। तो इस आसन को करने के लिए दोनों हाथों को आप सामने की तरफ रखेंगे और इसे हम आधा ही करेंगे पहले। अभी इसके लिए आप अपने राइट हैंड को उठाते हैं और राइट लेग को भी उठाते हैं ऊपर। इनहेल एंड अप। यस, इस तरह से आप एक हाथ और एक पांव को उठाएं पहले ताकि ज़्यादा जोर ना आए आपके कमर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो मसल है वो पूरी तरह से टोन अप हो रही है, इस समय पूरी तरह से स्ट्रेस में है। स्ट्रेंथनिंग पार्ट जो है हमारा, ये बैक वाला पार्ट है इस आसन को करते समय। और धीरे से हम सांस को छोड़ते हुए नीचे लाते हैं अपने हाथों को और अब हम दूसरे हाथ और दूसरे पांव को उठाएंगे। इनहेल एंड अप। और जो हमारा पैर वाला पार्ट है, जो इनर थाई है, आपके जो टोज हैं, आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल है, आगे तक हाथ तक पूरी तरह से टोन अप हो रही है मसल्स। सो इट इज़ वेरी गुड टू टोन दिस पार्ट ऑफ दिस एरिया ऑफ योर बॉडी। धीरे से डाउन। अब जो लोग दोनों हाथ और दोनों पांव उठा सकते हैं, इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते हुए दोनों हाथ और दोनों पांव को उठाएंगे, सांस को अंदर भरते हुए। इनहेल एंड अप। ऊपर की तरफ उठाइए। यस, धीरे धीरे हम देखिए किस तरह से आपने अपने हाथ और पांव को ऊपर उठाया हुआ है और पेट के बल आपकी बॉडी है इस समय। सो ये बहुत ही अच्छा आसन आपके कमर दर्द के लिए। पांव को उठा के रखेंगे आप इस आसन में और बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसका अभ्यास हम 3 से 5 बार तक कर सकते हैं इनिशियली और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 बार तक इसका अभ्यास नियमित रूप से किया जा सकता है। तो ये था हमारा विपरीत नौकासन कमर दर्द को दूर करने के लिए। दिन भर इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि वो, उनके दोस्त, उनके समाज, उनकी सारी सोसाइटी खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। हम भी आपसे यही चाहते हैं। तो योग के लिए आज से आप तय कर लीजिए, योग करेंगे।